सुंदर और मेरा आज का विषय कक्षा सातवीं के लिए ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में प्रश्न नंबर 24। एक त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति DE तथा भुजाओं का अनुपात 2:3:4 दिया है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, त्रिभुज बनानी है। कैसी बनानी है, ये नहीं हमें दिया है, ये विषमबाहु त्रिभुज बनेगी। ठीक है जी, तो हमें इसके लिए क्या क्या दिया है, परिमिति दी है DE के समान। तो परिमिति क्या होती है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है जी, और क्या दिया हमें, भुजाओं का अनुपात दिया है 2:3:4। ठीक है जी, तो परिमिति तीनों भुजाओं का योग होगा, तो ये एक लंबी रेखा होगी। ठीक है जी, क्योंकि एक ही रेखा से तीनों भुजाएं निकलेंगी, तो ये हमारे पास बी। थोड़ा इससे थोड़ा गैप देकर हमने डीई के समान बी की रेखा खींचनी है। ठीक है, तो जैसे हमने छठी क्लास में सीखा है रेखा के भाग करने, तो वैसे ही हम रेखा के भाग करेंगे 2:3:4 में इसको बांटेंगे। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें करना है, सबसे पहले कोई न्यूनतम बनाती हुई रेखा खींचनी है नीचे स्केल के द्वारा। ठीक है, कोई न्यूनतम बनाती हुई रेखा ये हमने खींच ली लगभग एक्स। ठीक है जी, अब इस रेखा की जो हमें डी एक्स रेखा है, थोड़ी प्रकार मीटर के कितने भाग करने हैं, इसके अनुपात के जोड़ के बराबर। तो अनुपात के जोड़ कितना हो गया, 2:3:5, 5 और 4, 9। ठीक है जी, तो हमने इस रेखा के कितने भाग करने हैं, नीचे वाले के 9 भाग करने हैं। थोड़ी प्रकार अपनी मर्जी से जोड़नी है, तो मेरे पास प्रकार है, इसको थोड़ा जोड़ने पर तो इस पर रखा ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है जी, ये 9 भाग हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है जी, तो नौवे भाग को ई के साथ मिलाना है, नौवे भाग को ई के साथ मिला दिया। अब ये जो है 9E रेखा है, इसके समांतर खींचनी है हमें, एक तो पहले 2 से खींची जाएगी 2 नंबर पॉइंट से, फिर 2 जमा 3, 5। ठीक है, 2 और 5 से हमें करना है E9 के समान रेखा खींचनी है। तो सेट स्केल का प्रयोग करेंगे, इसके लिए प्रकार से भी हो जाएगा, लेकिन आसान मेथड है सेट स्केल से, जो हमने सेट स्केल लगा ली इसके साथ 9E के साथ। नीचे मैं स्केल लगाऊंगा ऐसे, तो इसको मूव कर दस स्केल लेकर कहां ले जाऊंगा, 5 पर, 5 आ गया तो जहां पर रेखा इस तरह से। ठीक है जी, ऐसे ही नीचे स्केल, फिर और शुरू करूंगा तो मैं जाऊंगा 2 पर, और जब 2 आ गया तो मेरा रेखा इस तरह से। ठीक है, तो हमने किया है इस रेखा को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। क्या क्या अनुपात है, 2:3:4। ठीक है जी, तो ये 2 अनुपात है, ये 3 है, ये 4 है, पॉइंट हमारे पास ये ए है और ये है बी। ठीक है जी, अब इस रेखा को हम मूव करके यहां ले आएंगे, और इस रेखा को मूव करके ऊपर ले आएंगे, जहां दोनों कटेगी जहां पे, तो उनको मिलाएंगे। कैसे ले आएंगे इनको ऊपर, ए के समान प्रकार को लेंगे, बी इतनी प्रकार को ली, और ठीक है जी, इसी तरह से बी से प्रकार को ली है, कितनी को ली है, ई के समान। ठीक है जी, मतलब हमने क्या किया है, इस रेखा को मूव कर देना है, बेंड कर देना है, तो B से E प्रकार खोली है, और जहां से आप छोड़ करके ये जहां कट रहा है, ठीक है जी, जहां कट रहा है आपने पॉइंट नंबर 1 पर C हमने किया है, इस रेखा को मूव करके जहां ले आए,
और स्ट्रिंग को मूव करके यहां दोनों कट रही है। पॉइंट सी आ गया, सी को मिलाएंगे हम ए के साथ, सी को बी के साथ, ये सी को हमने किया ए के साथ मिला दिया और सी को बी के साथ, ये हमारे पास सिंगल पाथ दोन पाथ था तो दोन पाथ हो गया, ये तीन था और ये चार था, ठीक है जी। ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी बनके तैयार है जिसकी परिमिति क्या है बीई के समान है और भुजाओं का अनुपात किसके समान है दोन पाथ तीन अनुपात चार, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, त्रिभुज के चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद चतुर्भुज का चैप्टर शुरू हो रहा है, वो हम आगे करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।